सुंदरनगर पुलिस थाना की पुलिस चौकी सलापड़ के कर्मियों ने किरतपुर नेरचौक फोर लेन पर जड़ोल में दो युवकों को 628 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों युवकों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इस खबर के प्रायोजक है हिमाचल एग्रीकल्चर इनपुट। जानकारी के अनुसार सलापड़ पुलिस चौकी के मुख्य आरक्षी ललित कुमार की अगुवाई में पुलिस ने जड़ोल में नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान पैदल चल रहे दो युवक पुलिस को देख घबरा गए, जिन्हें पुलिस ने रोका। जब जांच की तो उनसे 628 ग्राम चरस बरामद की गई। पकड़े गए युवकों की पहचान निशांत और अनिकेत शर्मा जिला ऊना के रूप में हुई है। डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि दोनों युवकों को सोमवार को सुंदरनगर न्यायालय में पेश किया जाएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से गगन शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल एग्रीकल्चर इनपुट का उत्पाद काला मोती। काला मोती यह एक उत्पाद है जो सक्रिय कार्बन प्रौद्योगिकी पर काम करता है। एक्टिव कार्बन टेक्नोलॉजी, उत्कृष्ट पोषक उपयोग दक्षता, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी के साथ काला मोती 84 प्रकार के प्राकृतिक पौधों के घटकों सहित सभी पौधों की सामग्रियों का एक संयोजन है। यह 14 प्रकार के रोगाणुओं की प्रकृति में कार्बनिक है, जो सभी प्रकार की बीमारी के इलाज में मदद करता है और पौधों की नई सफेद जड़ों को विकसित करने में मदद मिल सके। मिट्टी से पौधों द्वारा खाद्य प्रणाली का बेहतर उत्थान। यह लंबे समय तक धीमी गति से जारी उर्वरक है। यह उत्पाद अमीनो एसिड, ह्यूमिक एसिड, फॉलिक एसिड और फ्लूविक एसिड से समृद्ध है। मृदा अनुप्रयोग के तहत सभी प्रकार के उर्वरक के साथ संगत इसका एक दानेदार उत्पाद मिट्टी, कार्बन सामग्री, वायु छिद्रण की जल धारण क्षमता में सुधार करने वाले एकजुट के रूप में काम करता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया तकनीकी एक्सपर्ट से संपर्क करें। काला मोती का योग संपूर्ण वातावरण निरोग। संपर्क करें 9882031400। सुंदरनगर पुलिस थाना की पुलिस चौकी सलापड़ के कर्मियों ने किरतपुर नेरचौक फोर लेन पर जड़ोल में दो युवकों को 628 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों युवकों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इस खबर के प्रायोजक है हिमाचल एग्रीकल्चर इनपुट। जानकारी के अनुसार सलापड़ पुलिस चौकी के मुख्य आरक्षी ललित कुमार की अगुवाई में पुलिस ने जड़ोल में नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान पैदल चल रहे दो युवक पुलिस को देख घबरा गए, जिन्हें पुलिस ने रोका। जब जांच की तो उनसे 628 ग्राम चरस बरामद की गई। पकड़े गए युवकों की पहचान निशांत और अनिकेत शर्मा जिला ऊना के रूप में हुई है। डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि दोनों युवकों को सोमवार को सुंदरनगर न्यायालय में पेश किया जाएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से गगन शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल एग्रीकल्चर इनपुट का उत्पाद काला मोती। काला मोती यह एक उत्पाद है जो सक्रिय कार्बन प्रौद्योगिकी पर काम करता है। एक्टिव कार्बन टेक्नोलॉजी, उत्कृष्ट पोषक उपयोग दक्षता, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी के साथ काला मोती 84 प्रकार के प्राकृतिक पौधों के घटकों सहित सभी पौधों की सामग्रियों का एक संयोजन है। यह 14 प्रकार के रोगाणुओं की प्रकृति में कार्बनिक है, जो सभी प्रकार की बीमारी के इलाज में मदद करता है और पौधों की नई सफेद जड़ों को विकसित करने में मदद मिल सके। मिट्टी से पौधों द्वारा खाद्य प्रणाली का बेहतर उत्थान। यह लंबे समय तक धीमी गति से जारी उर्वरक है। यह उत्पाद अमीनो एसिड, ह्यूमिक एसिड, फॉलिक एसिड और फ्लूविक एसिड से समृद्ध है। मृदा अनुप्रयोग के तहत सभी प्रकार के उर्वरक के साथ संगत इसका एक दानेदार उत्पाद मिट्टी, कार्बन सामग्री, वायु छिद्रण की जल धारण क्षमता में सुधार करने वाले एकजुट के रूप में काम करता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया तकनीकी एक्सपर्ट से संपर्क करें। काला मोती का योग संपूर्ण वातावरण निरोग। संपर्क करें 9882031400।